ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और 7 अन्य की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत से हर कोई दुखी है। इन नेताओं की अचानक मौत भारत के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। भारत में आज राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। देशभर सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति भवन में तिरंगा आधा झुका हुआ नजर आया। बता दें कि रईसी रविवार को पूर्वी अजरबैजान से लौट रहे थे, तभी अजरबैजान के सीमावर्ती शहर जोल्फा के करीब ये दुर्घटना घटी, जो ईरान की राजधानी तेहरान से 600 किलोमीटर दूर है। सोमवार को सभी के मरने की पुष्टि हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सम्मान में मंगलवार को पूरे प्रदेश में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। प्रदेश में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है, और राजकीय शोक की अवधि के दौरान मनोरंजन वाला कोई आधिकारिक कार्यक्रम भी नहीं होगा।